तो हेलो गाइस, लास्ट व्लॉग जिस जगह से एंडिंग की थी उसी से फिर से स्टार्ट करेंगे। हम आए थे शॉपिंग करने, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देख लिया होगा। शॉपिंग करने के लिए आई हूँ और हार्दिक को यहाँ पे दिख गया है बंदर। और हम विशाल मेगा मार्ट आए हैं। यहाँ पे हमारे दो विशाल मेगा मार्ट है, ये बड़ा वाला है। उसके बाद हम टनिक्स शोरूम चले गए थे। तो वीडियो थोड़ा फटाफट फटाफट से जा रहा है। उसके बाद मैंने क्या क्या खरीदा आप लोगों को दिखाती हूँ। बेसिकली मुझे कोई मतलब कीमती बहुत बड़ी चीज़ चाहिए नहीं थी, थोड़ा बहुत जो स्कूल के लिए पहन जा पाऊँ, इसलिए दो गाउन लिए। उसके बाद दो मैचिंग टॉप लिए हैं मैंने, देख सकते हो। ये पिंक वाला जो टॉप है ये ना इस गाउन के साथ बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि इस स्कर्ट में गाउन में थोड़ा सा पिंकिश एक कलर उभर के आता है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और साथ ही में एक ब्लू वाला टी शर्ट और ब्लू ऐसा मैचिंग करके एक स्कर्ट ली हूँ। साथ में कुर्तीस ली हूँ हार्दिक और हबी के लिए, कुर्ता पैजामा। साथ में एक ड्रेस ली हूँ मेरी देवरानी के बेटे के लिए। और साथ में कुछ कप प्लेट चाहिए ससुराल के लिए ली हूँ। बस इतनी ही शॉपिंग है मेरी। तो आप लोगों से एकदम से मिल रही हूँ सुबह में, मॉर्निंग में। आज है असम इस न्यू ईयर, मतलब बैसाख का पहला दिन है, बिहू का दूसरा दिन है। तो हम इसके प्लस में जा रहे हैं मंदिर। तो ये मैं देख सकते हो आप लोग, तो मैं साड़ी पहन के जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ जा रही हूँ। थोड़ा सा हैवी वाला ज्वेलरी वेयर करके जा रही हूँ, ये है हार्दिक। और कल जो न्यू वाला कुर्ता पैजामा हबी और हार्दिक लेके आए थे ना, वही मंदिर पहन के जा रहे हैं। और हम गणेश मंदिर में आए हैं, गणेश जी की मंदिर में आए हैं, विघ्नहर्ता के मंदिर में आए हैं। तो यहाँ पे भारी भीड़ है। अभी सुबह का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 8 बजे होंगे, लेकिन आप लोग को भीड़ दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा भीड़ है, सभी लोग भगवान की स्तुति करने आए हैं और भगवान जी मानने आए हैं कि सबका नया साल बहुत ही अच्छा जाए। हमारा असम इज न्यू ईयर बैसाख से स्टार्ट होता है, बैसाख के पहले दिन से स्टार्ट होता है। तो कल से स्टार्ट हो गया हमारा, हाँ तो आज से स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद गणेश मंदिर के पास गणेश घाट है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है। तो यहीं पे हार्दिक बैठ गया, भोग लगाई थी ना लड्डू का, तो वही लड्डू लेके अभी हार्दिक बैठ गया, वो खा रहा। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। तो उसके बाद वीडियो बहुत ही फटाफट फटाफट से कर रही है। उसके बाद घर आ गई, घर आने के बाद एकदम से ससुराल के लिए निकल आई। ये देखिए हबी और हार्दिक ने कपड़े चेंज किए, मैंने नहीं किए। मैंने सेम ज्वेलरी और सेम साड़ी में मैं आ गई थी ससुराल, क्योंकि ससुराल में आके मतलब बिहू फेस्टिवल वगैरह में आना तो बनता है। तो ये बिहू का ही देखिए रस्ते में मेला लगा हुआ था और बहुत ही गर्मी पड़ रही आज से, तो सोचा तरमूज खा ले। तो तरमूज ससुराल के लिए भी थोड़ा सा ले गई और यहाँ पे भी मैंने एक दो पीसेस खा लिए, हार्दिक ने भी खा ली। बहुत गर्मी पड़ रही थी, फिर तरमूज खा के थोड़ा सा फ्रेश करके फिर घर के लिए निकल चली। ये देखिए एकदम से गर्मी से हाल बेहाल हो गया है। थोड़ा बहुत वीडियो बना ली हूँ आप लोगों के लिए, चैनल के लिए फैमिली के तौर पर। चल रही है बस। बट गर्मी में बाइक से आना मतलब मुश्किल होता है, अभी को बोल रही हूँ बाइक से तो और नहीं आ पाएंगे। 3 दिनों के लिए बाइक छोटा पड़ता है क्योंकि हार्दिक बड़ा हो गया ना। तो ये देखिए हाँ, पहुँच गई हूँ ससुराल, मेरा घर पहुँच गई हूँ। यहाँ पे मतलब बिहू है ना, तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बनता है ना, तो इसलिए आ गई हूँ। और यहाँ पे हार्दिक देख सकते हो कितना खुश है, हार्दिक तो यहाँ के मस्त खुश होता है। उसके बाद ससुराल में खाने पीने के बाद फिर मैं चली गई थी, हमारे जिस साइड में खेत होता है ना उस साइड में चली गई थी। देखिए भोर मतलब शाम होने लगी है और सूरज भी ढलने लगा है। और दूर में देख रहे हो ना, ये हमारी कार है। भैया भाभी सबसे पहले आ गए थे क्योंकि हम भी साथ में आने वाले थे, बट हमने जर्नी की थी ना सुबह, इतनी ज़्यादा जर्नी करके घर आए थे। तो क्या हो रहा था ना, ये देखिए शाम होने वाली है, 5 या 5:30 होने वाले। तो हम भैया भाभी के साथ नहीं आ पाए, वो लोग पहले ही आ चुके थे। तो ये नदी हमको पार करके उधर जानी है, नदी में भी फिलहाल पानी बहुत ही कम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए हमारी गाड़ी, तो ज़्यादा टाइम इसमें जाएंगे कि ज़्यादा टाइम रात हो जाएगी। और यहाँ पे खेत वगैरह है ना, तो हार्दिक नदी में दौड़ा है। और मैं यहाँ पे कपड़े ज़्यादा नहीं लाई हूँ, अगर ये भिगो देगा ना तो उसको ठंड लगेगी।
और कभी कभी ये नदी एकदम फुल रहती है पानी से, आप लोगों ने देखा ही है, लास्ट टाइम का एक वीडियो बनाई थी। तो वहाँ पे अभी है और मैं हार्दिक को बोल रही हूँ मत जा मत जा मत जा, बट इसको तो अपनी दीदी मिल गई है और ये बच्चों को तो पानी पसंद ही है ना, पूरा मतलब दौड़ा इधर देखे। तो हमारे खेत में पहुँच गई, वहाँ पे बहुत सारे मिर्च भी लगी है, घर भी लेके आई हूँ, दिखाऊंगी। यहाँ पे अभी है, हार्दिक है मेरी, यहाँ पे सास भी है, दिखाती हूँ। और वो सास है मेरी और ये मेरी जेठ जी है। तो यहाँ पे ये पानी का नल भी है, नलका भी है, तो पानी निकाल रहा है हार्दिक। और यहाँ पे खेत में बहुत सारी चीज़ें जो जो लाई हूँ आप लोगों को पक्के से दिखाऊंगी। यहाँ पे हाँ, ये लौकी का खेत भी होता है यहाँ पे, मतलब वहाँ पे जाओ और जो भी मर्जी हो उठा के ले आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए अभी लौकी तोड़ रहे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लौकी है, लेकिन हम बाइक से जाते हैं ना उतना ज़्यादा कुछ नहीं ला पाते, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा ही लेके आ गए। अभी यहाँ पे लौकी तोड़ रहे हैं, देख सकते हो। फिर हाँ देखिए रात हो गई है और ससुर जी ने बोला आलू लेके आओ, यहाँ पे आलू की भी खेती होती है ना। ये देखिए बोरा भर के आलू हमको दिया था लाने के लिए, बोरे तो हम लेके आ गए क्योंकि कार लेके गए थे ना, तो वहाँ से लेके आ गए। पर यहाँ तक सिटी तक लाना थोड़ा मुश्किल होगा, इतना सारा दिया है। और यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत सारा आलू एकदम भरा पड़ा है, ये देखिए एकदम से रात हो गई है। तो रात होते होते हम निकल आए थे, हम कार में आ गए थे, भाभी में हार्दिक जेठ जी और हमारी जो भतीजी है वो, हम चारों आ गए थे और हबी बाइक लेके आ गए थे। ये देखिए एकदम से रात ही हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए दिक्की पूरा आलू की बोरी से भरा है, लौकी है यहाँ पे, क्या बोलते हैं उसको, एक मुर्गा भी दिया है खाने के लिए, ये मुर्गी और साथ में क्या है, लहसुन भी है, लहसुन दिया है, फिर हल्दी बहुत सारा लेके आई, फिर मिर्ची टमाटर और साथ में बैंगन, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से उठा लाई कल। तो मतलब वहाँ पे रहूँ तो चीज़ें खरीदने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ हबी भी पहुँच गए, जस्ट हम कार से उतरे और ये देखिए हबी भी पहुँच गए। और हमारा घर जैसे हाईवे के साइड में पड़ता है ना, तो क्या होता है ये गाड़ी और भीड़ भाड़ पूरा लगा रहता है। तो हबी आ गए, देख सकते हो। और मैं एक एक करके चीज़ें सभी गाड़ी से बाहर निकाल रही हूँ। वैसे वो आलू का बोरा तो मुझसे नहीं उठेगा, वो हबी लेके जाएंगे। बाकी जो जो चीज़ें, मस्टर्ड ऑयल भी है वहाँ पे, मस्टर्ड ऑयल और साथ में क्या होता है ना वो गन्ने का रस, सब कुछ वहाँ पे मिलता है, तो वो सब कुछ लेके आ गए। अभी यहाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे रख के फिर तो सोचेंगे घर के लिए क्या ले जाएंगे क्या नहीं ले जाएंगे। वैसे चावल ले जाने का प्लान है क्योंकि चावल खरीद के खाया नहीं जाता, बहुत मतलब घर में भी कभी चावल खरीद के खाई नहीं हूँ, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और वहाँ पे जाऊँ तो साग सब्जी लेने के लिए तो बहुत सारी मतलब एकदम गाड़ी लेके जाना पड़ता है, तभी हो पाता है। और इसमें भी कुछ वेजिटेबल्स वगैरह है, देखिए यहाँ पे भी लौकी है और यहाँ पे लौकी है, राई है, हल्दी है, लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और क्या है बैंगन, सब कुछ यहाँ पे है। तो मैं एक एक करके चीज़ें इधर से उधर कर रही हूँ, देख सकते हो मेरी सामान से नहीं होगा, वो अभी लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हार्दिक पूरा दौड़ भाग कर रहा है, कपड़े खोल रहा है अपने, और अपनी दीदी से जब मिलता है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं ही ले जा रही हूँ, इसलिए एक एक करके ले जाने में टाइम लग रहा है। तो गाइस कैसे आप लोग बताएगा व्यू फेस्टिवल आप लोग का कैसा जा रहा है? मेरा तो अच्छा ही जा रहा है, मस्त ही जा रहा है, अच्छा ही चल रहा है। हाँ बाकी तो ये मेरी भाभी है, देख सकते हो वो भी जा रही है जा रही है। मैं छोटी हूँ तो मुझे पहले करना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से कर रही हूँ सारा काम। और मैं किचन